विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ मुस्लिम नौजवानों ने गांव टियाला के मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कर पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया और एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। ब्रेनवेव्स इंटरनेशनल स्कूल फॉर एडमिशन कॉल 8791258181 8279806606। नहीं प्रद्रा, आज तो मतलब वृक्षारोपण का एक विशेष मुहूर्त है और हम तो पूरे मतलब सभा से ये निवेदन करना चाहते हैं, जितना भी भारतवासी है सभी लोग पर्यावरण के दिवस पे वृक्षारोपण करें, जैसा कि आप लोग आज कर रहे हैं। हमारे गांव में आपने वृक्षारोपण करा है, बहुत अच्छा कार्य है। हम इसके लिए आपको 100 के 100 नंबर देने का प्रयत्न करेंगे और सभी भारतवासियों से निवेदन करेंगे कि सब लोग वृक्षारोपण में अपना हाथ बढ़ाएं और कम से कम 5 पेड़ न लगा करके 1 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारा जो आज का बीमारी चल रही है, अभी आप लोगों को पता होगा कि एक सिलेंडर 2-2 लाख रुपए का ख़रीदा गया और प्रकृति ने हमें फ्री में न जाने, अब तो हमें आभास करना चाहिए कि कितने रुपये का सिलेंडर हमने एक दिन में खर्च किया है, कितना ऑक्सीजन खर्च किया है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और पेड़ों से ही हमें बरसात प्राप्त होती है, इसलिए हम लोगों को विशेषकर वृक्षारोपण करना चाहिए। जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व के अंदर आज विश्व पर्यावरण दिवस पौधा रोपण करके मनाया जा रहा है। हम लोगों ने अपनी बस्ती के अंदर सरकारी स्कूल में पौधा रोपण कर, अम्बेडकर पार्क में पौधा रोपण कर, बस्ती के दोनों मंदिरों में और मदरसे में पौधारोपण कर ये पर्यावरण दिवस मनाया है, क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों और चल रहा है अभी जो ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। अभी पीछे 20 दिन पहले हमने देखा था कैसे लाशों के ढेर लगे थे सिर्फ ऑक्सीजन की कमी पर, और लाखों लाखों रुपए के सिलेंडर लोगों ने खरीद कर एक एक दिन की ऑक्सीजन अपने पेशेंट को पूरी की थी। हम लोगों को चाहिए, हमें समझना चाहिए, जो हमें ईश्वर ने अल्लाह ने फ्री की ऑक्सीजन दी है, इन पौधों को रोपण कर उसको प्राप्त करें। आज देखिए देश के अंदर पर्यावरण दिवस है जो पूरे विश्व मनाना चाहिए और सबको पौधा लगाना चाहिए। आज हमने मंदिरों में पौधे लगाए हैं, मदरसों में पौधे लगाए हैं और अम्बेडकर पार्क में पौधे लगाए हैं और स्कूलों में पौधे लगाए हैं, पाइकस का पौधा लगाया है और फुलवाड़ी के पौधे लगाए हैं, और हमने फुलवाड़ी के पौधे और पाइकस के पौधे लगाए हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले मुस्लिम नौजवान राहत चौधरी और कादिर चौधरी अपने साथियों के साथ गांव टियाला के धार्मिक स्थलों, विद्यालय और पार्कों पर पहुंच गए और वृक्षारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से वृक्षारोपण करने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया।